ममता बनर्जी ने पैर छूकर लिया लालू यादव का आशीर्वाद, कल विपक्षी दलों की बैठक में होंगी शामिल। पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी बीजेपी विरोधी दलों की बैठक में शामिल होने के लिए पटना पहुंच गई हैं। पटना पहुंचने के बाद वे सीधे तेजस्वी यादव के सरकारी आवास 5 देश रत्न मार्ग पहुंची हैं। यहां उन्होंने लालू यादव, राबड़ी देवी और तेजस्वी यादव से मुलाकात की। ममता बनर्जी ने लालू यादव के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। 23 जून को होने वाली बैठक में पहले ममता बनर्जी आज नीतीश कुमार से भी अलग से मुलाकात करेंगे। बिहार सरकार की मंत्री लेसी सिंह और शिक्षा मंत्री प्रोफेसर चंद्रशेखर ने एयरपोर्ट पर उनका स्वागत किया। इसके बाद वे लालू यादव से मिलने तेजस्वी यादव के आवास पर पहुंच गए। ममता बनर्जी और लालू यादव की मुलाकात काफी अहम मानी जा रही है। ममता बनर्जी से पहले जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती भी पटना पहुंच गई हैं। महबूबा मुफ्ती का स्वागत करने के लिए नीतीश सरकार की मंत्री शीला मंडल एयरपोर्ट पहुंची थी। यहां से वे सीधे राजकीय अतिथिशाला के लिए रवाना हो गए। दरअसल पटना में 23 जून को बीजेपी विरोधी दलों की बैठक होने वाली है। बैठक में कांग्रेस नेता राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, राष्ट्रीय अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल, वाम दलों के प्रमुख नेता अखिलेश यादव, शरद पवार, उद्धव ठाकरे, हेमंत सोरेन, ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती शामिल हो रही हैं। 23 जून को होने वाली बैठक में शामिल होने के लिए ममता बनर्जी, महबूबा मुफ्ती, अरविंद केजरीवाल, भगवंत मान गुरुवार को ही पटना पहुंच रहे हैं। बिहार में मिलेंगे सारे चोर बीजेपी। 23 जून को होने वाली बैठक से पहले महागठबंधन उत्साहित है। महागठबंधन नेताओं ने कहा है कि इस बैठक के बाद 2024 में केंद्र की सत्ता से नरेंद्र मोदी की विदाई तय हो गई है। इधर बीजेपी ने विपक्षी दलों के नेताओं की जुटान को भ्रष्टाचारियों का जुटान कहा है। बीजेपी ने एक पोस्टर जारी कर कहा है कि हल्ला है हर ओर, बिहार से मिलेंगे सारे चोर। क्या बातचीत हो आप लोग? चुपचाप रहो, मैं नीचे करो भाई। मैं कहनी चाहूँगी कि जनता को हम धन्यवाद देने चाहती हूँ कि अब बिहार में आके मेरे को बहुत अच्छा लगता है। बिहार का जो मधुबनी है, बिहार को जो नालंदा है, बिहार का जो मिठाई है, हम इसको बहुत पसंद करते हैं। थोड़ा सा दूर रखिए ना। और लालू जी को हम बहुत इज्जत करते हैं। थोड़ा सा दूर कर लीजिए। मधुबनी का शाह, राबड़ी देवी का शाह, थोड़ा सा तेजस्वी का शाह, लालू जी का शाह, हम मिट करके बहुत खुश हुआ है इसी के लिए कि लालू जी देश में एक बहुत सीनियर लीडर है। बेचारा बहुत दिन जेल में उसको भेजा, हॉस्पिटल में थे, उसको तबीयत ठीक नहीं था, हम लोगों ने बहुत दुखी थे। आज उसको देख के हमारा बहुत हम खुश हुआ है। और आज देख के बात करके हमको ये लगा लालू जी अभी भी बहुत तगड़ा है और बीजेपी के खिलाफ में अच्छा से लड़ सकता है। सो हमारा पूरा हम पहले बिहार में आके इसी के लिए लालू जी को मीट किया। दीदी आपका बहुत बहुत मधुर संबंध रहा है लालू जी के साथ, बहुत मधुर संबंध रहा है आपका। ऑलवेज आपका पता है जी, एक दिन लालू जी संसद में भाषण दे रहा था, जब मैं भी, जब हम भी एमपी था, लालू जी भी एमपी था, पीछे पीछे था, लालू जी भाषण दे रहा था, प्याज का भाव बढ़ गया, आलू का भाव बढ़ गया, सबको भाव बढ़ गया। तो मैंने बोला राबड़ी जी का भाव क्या है? बोलता है सबसे ज्यादा है। अभी हम नहीं कह सकता है। देखिए हम लोग आए इसी के लिए कि हम लोग इकट्ठा लड़ेंगे, 1:1 लड़ने के लिए हम लोग एक साथ में लड़ेंगे, जस्ट लाइक ए कलेक्टिव फैमिली। तो हम आज नहीं बता सकते हैं मीटिंग का पहले, कल देखता है मीटिंग में क्या बात होता है और सबका बात एक ही बात होगा। कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप बंगाल में लड़ेंगी, कांग्रेस और सीपीएम के साथ आप लड़ेंगी। मैंने जो बोला है, जो नीति तैयार होगा वो सबको लिए होगा। केजरीवाल ने कहा कि पहले अध्यादेश पर चर्चा होनी चाहिए। केजरीवाल जी ने कहा है कि पहले अध्यादेश पर चर्चा, इसके बारे में अभी चर्चा नहीं करते चाहेंगे और कल मीटिंग में करेंगे। दीदी पश्चिम